हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज की सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करें। सबसे पहले तो हम बनाएंगे बेस ग्रेवी मिक्स वेज के लिए। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 3 मैंने ली हैं रेड चिलीज जो सॉक की हुई थी, और उसी के साथ ही 1 बड़ा प्याज, और मक्खन की टिक्की ली है, आप हाफ भी ले सकते हैं, मैंने 1/4 ली है। और मैंने लिए हैं कुछ काजू जो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर 12 से 15 काजू लिए हैं, उनको हाफ काट लिया है। और इस ग्रेवी का मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि जिससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी, वो है आलू। यहाँ पर मैंने छोटा 1 आलू लिया है और 2 टमाटर लिए हैं। तो चलिए इसकी ग्रेवी हम बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पैन, पैन में डाल देंगे मक्खन, मक्खन को बहुत ज़्यादा हमें मेल्ट नहीं करना है। साथ के साथ ही हम इसमें डाल देंगे रेड चिलीज़, जो रेड चिलीज़ है आप उसको कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमने डाल दी है प्याज, प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो काजू हमने रखे थे, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें आलू। 2 से 3 मिनट हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पक जाने के बाद ही हम इसमें जो है टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप्ड करके रख लिया है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। और जब तक टमाटर थोड़े गल नहीं जाते, तब तक हम उसे चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसमें हम जो है पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हमें इसे पका लेना है। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, जो टमाटर हैं हल्के से गलने शुरू हो गए हैं। तो अब हम जो है इसमें 1 से 2 कटोरी के करीब पानी डाल देंगे। मैंने जो बाउल शो किए थे उसी में मैंने 2 कटोरी इसमें पानी डाल दी है। और अब हम इसको बंद करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। ये ग्रेवी बिल्कुल बेस ग्रेवी है, बिल्कुल अच्छे से अगर तैयार होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए पानी बिल्कुल सोक हो चुका है, हल्का सा पानी रहता है जो कि हमें ग्रेवी को मिक्सचर में पीसने के लिए चाहिए। तो ठंडा करने के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम करेंगे जो है सब्जियों को फ्राई। मिक्स वेज के लिए आप अपने हिसाब से जो है सब्जियां ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, उन्हें शैलो फ्राई करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से जो है कुक कर लेंगे। आप चाहे तो ढक्कन बंद करके इसको स्टीम के साथ भी अच्छे से कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी बीन्स। तो बीन्स को ज़्यादा देर नहीं लगती पकने के लिए, 2 से 3 मिनट इसको भी पकाकर हम जो है निकाल लेंगे। बारी बारी ऐसे ही हम सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से जो है कुक कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम इन्हें पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छन्ने का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। तो ऐसे ही हम बारी बारी सारी सब्जियों को ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए तेल में मैं डालूंगी गोभी। यहाँ पर गोभी मैंने थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है, आप कम भी कर सकते हैं। मैंने 1 बाउल भरकर जो है गोभी का डाला है। इसको हम करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई। उसके बाद गोभी के साथ ही मैं और बाकी की सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर दूँगी बारी बारी। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च और मटर। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है कुक हो जाती है। तो इसलिए मैंने गोभी को 2 से 3 मिनट पहले फ्राई किया है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ लूँगी मटर। मटर मैंने यहाँ पर बॉईल यूज़ किए हैं, आप जो है फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी जो है मटर की ली है। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से जो है फ्राई। कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो शैलो फ्राई में भी इसे 3 से 4 मिनट जो है फ्राई करने पड़ता है। तो आप जो है ढक्कन लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, उससे जो है जल्दी होंगे। देखिए इनका कलर जो है चेंज हो गया है। और अब हम इसे जो है निकाल लेंगे। ये भी मैं यहाँ पर जो है ऑयल रिलीज करके निकाल रही हूँ, तो आप भी एक छन्ने का यूज़ से उससे निकाल सकते हैं। सबसे एंड में जो है हम अलग से इसमें पनीर ऐड करेंगे। जो पनीर है यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, और उसको अपने हिसाब से आप काट सकते हैं, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसे भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसे साइड में निकाल लेते हैं। और इसी तेल में जो है हम लगाएंगे तुड़का। मैंने तुड़के के लिए लिया है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने जो है 1/2 स्पून लिया है। इसी के साथ ही 1 स्पून मैंने अच्छे से लिया है लहसुन का, जो मैंने गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लिया था। ऐसे ही मैंने 1 चम्मच लिया है यहाँ पर अदरक। अदरक को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे से जो है हम इसे भून लेंगे।
भूनने के बाद इसमें हम जो ग्रेवी हमने मिक्सचर में पीस कर रखी हुई है वो ग्रेवी हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्रेवी को हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे, उसके बाद इसमें जो है सब्जियां ऐड करेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी और पक जाए, अच्छे से जो है हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। और अब हम करते हैं इसमें स्पाइसेस ऐड। मैंने 1/4 चम्मच लिया है हल्दी, थोड़ा सा नमक लिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने ली है देगी मिर्च सिर्फ कलर के लिए। 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है यहाँ पर गरम मसाला और 1/2 से भी कम यानी कि 1/4 मैंने लिया है यहाँ पर ब्लैक पेपर और थोड़ी सी दालचीनी ली है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच से भी कम यहाँ लूँगी रेड चिली का पाउडर। ऑलरेडी वैसे तो यह रेड चिली है, अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी मसालों को हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो हम वेजिस को रखा हुआ है इसमें वेजिस ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वेजेस बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी यानी कि 1/2 कटोरी से भी कम मैंने यहाँ पानी ऐड किया है ताकि जो ग्रेवी है और सब्जी अच्छे से पक सके। और अब यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा दूध, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1/2 कटोरी से भी कम। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप रहने दीजिए, आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो है टेस्ट अच्छा आएगा सब्जी का, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और अब हम इसको लो फ्लेम पर कम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो देखिए सब्जी कितनी बढ़िया तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।